स्मार्ट 110, इसके बारे में मैं आज कुछ बताने वाला हूँ, टाइमिंग चेन के बारे में, ठीक है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूरज शर्मा, आप देख रहे हैं सूरज शर्मा बाइक पॉइंट। आज मैं गाड़ी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, मैं आप जो बताऊँगा इसमें ये टाइमिंग चेन के बारे में बताऊँगा, ठीक है। ये जो इसमें टाइमिंग चेन लगाया हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, कुछ ही दिन ही हुआ है इसमें टाइमिंग चेन लगाया हुआ हमारा। मैक्सिमम लगता है ये गाड़ी मुश्किल से 1000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर चला होगा, और उसके बाद में इसका हाल देखिए। ये ब्लॉक का रोलर है, ये खा गया, ये जेनुअन रोलर था पूरा, जेनुअन टाइमिंग चेन वगैरह सारा चीज़ लगा हुआ है इसमें। एक्चुअल में क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जो है ना गार्ड किस तरह का लगता है, जो ब्लॉक में जो लगता है इस तरह का लगता है ब्लॉक में, ठीक है। कंपनी का देखिए ये किस तरह से कंपनी बनाया है और किस तरह से किया हुआ है। ये क्या है, एक बार अगर लग गया अंदर ब्लॉक में तो फिर क्या है, इसको खुलने के बाद निकलेगा नहीं। और ये क्या है ना, इधर से और इस तरफ से जो है टाइमिंग चेन जो है घसता हुआ इसमें चलता है। यही है इसका, क्या बोलते हैं, चप्पल। पार्ट्स दुकान में इसे लेने गया था तो इसे चप्पल के नाम से बोला गया था। ये इसका टाइमिंग चेन वाला चप्पल दोस्तों, इसका एक्चुअल में ये गाड़ी जो है लॉन्ग टूर गई हुई थी, 400-500 किलोमीटर के आसपास में ये लॉन्ग टूर गई थी। तो क्या अचानक से इसमें सडनली साउंड आने लगा, इसका ऑयल जो था नया ऑयल वगैरह सारा चीज़ डाल के गया था, तो सडनली इसका लगता है पिस्टन रिंग वगैरह फेलियर मार गया, तो गाड़ी जो है स्मोक मारने लगी थी। स्मोक मारते हुए पूरा जो है इसका इंजन ऑयल जो है वो सूख गया था, ठीक है। हमने जो मैं बोर वगैरह करवा लिया है, हेड जेनुइन वाल वगैरह हमने लगाया है। वाल का मैं आपको पैकेट दिखाता हूँ, देख सकते हैं हेड वाल, हेड वाल जो है 394 का इसका हेड वाल, ठीक है। ये पिस्टन विस्टन हमने बोर करवा लिया है इसका, ठीक है, पिस्टन बोर हो गया। टाइमिंग चेन हमारा वही पुराना रहेगा, और ये जो हमने ब्लॉक जो बोर करवाया ये क्रॉस बोरिंग है, ठीक है। आप देख सकते हैं क्रॉस क्रॉस इसमें हल्का आपको दाग जैसा, मतलब पॉलिश जैसा दिखता होगा, मैं दाग बोल रहा हूँ, देख सकते हैं। क्रॉस बोरिंग का एक फ़ायदा क्या है सबसे अच्छा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, क्रॉस बोरिंग में एक सबसे बेस्ट फ़ायदा है कि आपका बोर जो है ना, बोर का लास्टिंग बहुत अच्छा रहता है। देख सकते हैं क्रॉस दिख रहा है, ये बोर का लास्टिंग जो है बहुत अच्छा आता है इसमें। हमने पिस्टन जो है उषा का फिटिंग किया है, उषा का पिस्टन है इसमें, ठीक है, देख सकते हैं उषा का पिस्टन, 25 का पिस्टन इसमें लगाया अभी, ठीक है। तो में बने रहे, मैं आपको फिटिंग करता हुआ दिखाता हूँ, पैकिंग वगैरह सारा चीज़ है, पैकिंग वगैरह इसका आ गया है, पैकिंग लगाते हुए मैं आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो टाइमिंग चेन का जो गार्ड बोलिए या तो पैड बोलिए, कुछ भी बोलिए, इसका जो है यहाँ पे लगाने का दिया हुआ है, ठीक है। ये जो इस तरह से अंदर जाता है और यहाँ पे जो है खाँचे पे ऐसा बैठ जाता है, ठीक है। ये पैड मैं आपको इसको जो है अभी लगा करके दिखाता हूँ, इसका बोल्ट ये रहा, इसका बोल्ट देख सकते हैं, ये ला इसका बोल्ट है, ठीक है। अब जब मैं ये पैड को लगा के दिखाऊंगा, पैड एक्चुअल में इस तरह से नहीं लगता है, ये टाइमिंग चेन के बीच में से ऐसा करके लगता है, ठीक है। ये जो है बोल्ट लगाने से पहले जो है आप अगर ये रेसी बोंड वगैरह रखे हैं तो इसको लगा ले, रबड़ जैसा वाला जो पेस्ट होता है उसको लगाएंगे तो क्या है, लीकेज वगैरह का होने का चांस नहीं होता है। अब जो है पहले मैं इसे सेंटर बोले तो बीच में इसे घुसा लेता हूँ, देख सकते हैं ये पैड किस तरह से रहता है। मुझे तो लगता है टाइमिंग चेन चेंज करने के लिए ना हमें पूरा हेड को निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना हेड निकाले इसका पैड चेंज होना बड़ा मुश्किल है। ये पैड हमारा देख सकते हैं ये इस तरह से लग गया है, एक बार मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, ये नहीं इधर से नहीं होगा, अच्छी तरह से भी निकलना मुश्किल है। चलिए जब होगा तब देखा जाएगा, फिलहाल तो अभी इसे लगा दिया जाए। बोल्ट जो है बोल्ट घुसा लिया, पैड जो है यहाँ देख सकते हैं यहाँ लगा हुआ है ये अच्छी तरीके से। अब जो है हम इसे यहाँ ऐसा छोड़ देंगे, ठीक है। कस्टमर टी वाले पाने से अब हम इसे टाइट करेंगे, लेकिन क्या गजब का बनाया है ना कंपनी भी, पैड बढ़िया जैसा भी है। कस्टमर टी पाना लगेगा उससे आप इसे ये टाइट हो गया, टाइट होने के बाद में अब जो है हम यहाँ हेड लगाएंगे, ठीक है। हेड वगैरह
लगाने के बाद मैं टाइमिंग वगैरह सेट उट करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो में। यहाँ टाइमिंग जो है टाइमिंग पर आ चुका है, टाइमिंग पर ये किया गया है इसे, देख सकते हैं। देखिए टी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है टी का लकीर में, हमने टाइमिंग ऑलरेडी कर चुका है, किचन सब पूरा टॉप में है, ठीक है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने जो है हेड को घुसा लिया है, अभी जो है हम अच्छे से ये करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो है आई स्मार्ट 110 पूरी तरह से रेडी हो गया है, हमने सारा चीज़ फिटिंग वटिंग कर लिया, सब चीज़ ओके कर लिया है। टाइमिंग चेन में जो हमने आपको जो पैड जो चौड़ा सा जो लगा हुआ था वो आपको दिखाया था, वो भी हमने लगा लिया, लेकिन लगाने के बाद जो वो सक्सेस नहीं हो पाया, वो जो है बार बार जो है ना टाइमिंग चेन का साउंड बंद होता है, फिर ऑटोमेटिकली टाइमिंग चेन का साउंड जो है वो चालू हो जाता है। तो हमने किस तरह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया वो मैं बताता हूँ आपका। जो पूछ रबड़ होता है ना, पूछ रबड़ में मैंने एक ये आपका जो बोर्ड होता है ना, ये इस तरह का बटन होता है, स्कूल वगैरह में या तो कॉलेज वगैरह बोर्ड में जो है ना, इस तरह का बोर्ड में पेपर को लगाने के लिए यूज किया जाता है। इसको जो है मैंने पूछ रबड़ में पहले लगा दिया ऊपर से, ताकि पूछ रबड़ कटे ना। और फिर मैंने क्या किया, आपका जो हीरो होंडा का जो पीछे वाला ब्रेक रड का जो स्प्रिंग होता है ना, ये स्प्रिंग देखिए ऐसा मोटा थिकनेस का स्प्रिंग रहता है, ये थिकनेस का स्प्रिंग को मैंने कुछ पॉइंट को काट करके अंदाजा के हिसाब से उसको लगा दिया। लगाने के बाद जाके ये साउंड जो है पूरी तरह से स्मूथ है साउंड। मैं जानता हूँ कि ये स्प्रिंग बहुत ज़्यादा हेवी है, वो लाइट स्प्रिंग है, इसमें बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा था, इसी के चलते मुझे इस तरह वाला स्प्रिंग को लगाना पड़ा। और अभी आप देख सकते हैं साउंड पूरा ही मस्त और बहुत ही अच्छा हो गया है। साउंड आप लोग ध्यान से सुने किस तरह से साउंड आ रहा है। पूरा न्यू बाइक के जैसा साउंड आ रहा है अच्छे से, जिस तरह नया बाइक आता था एकदम पूरा बढ़िया से साउंड जिस तरह से आता था, स्मूथ साउंड निकल रहा था, उसी तरह से ही साउंड निकल रहा है, ठीक है। हमारा गाड़ी जो है पूरी तरह से रेडी हो चुका है, आई स्मार्ट 110 जो है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।